गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये था भाई हमारा रात का बसेरा। ये एक सब्जी मंडी है जहाँ पे गांव के लोग सब्जी लगाते हैं। तो यहाँ पे कोई नहीं था, तो दो चार भाई जा रहे थे, तो भाई से हम लोगों ने पूछा, रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने ये जगह दिखाई। तो यहीं पर हम लोगों ने अपना टेंट लगाया था। आस पास का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये तो भाई हमारा टेंट, अभी यहीं पे सब्जी उब्जी बोलते हैं। एक अच्छी बात क्या है, यहीं पे वॉशरूम था तो फ्रेश हो गए हैं, ब्रश व्रश नहीं किए हैं। ब्रश व्रश करने के लिए इधर पानी भी है, तो अभी यहाँ पे ब्रश भी कर लेंगे। और भाई कुछ इस तरह का है यहाँ आसपास में, तो सबसे पहले ब्रश कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया लगभग 4:30। और ब्रश व्रश करते 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 5-6 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई आए। और क्योंकि भाई लोग बता रहे थे कि सुबह 6 बजे तक वो आ जाएंगे, तो हम लोग चाहते हैं कि इससे पहले पहले यहाँ पे रैप अप कर दें और फिर अपना आगे के लिए जाने करें। गाइस, दिस इज द फन ऑफ बैकपैकिंग, द स्ट्रगल ऑफ बैकपैकिंग। तो भाई ब्रश व्रश करके फेस वॉश करके रेडी हो गया हूँ। नहाया नहीं हूँ भाई, क्योंकि नहाने की व्यवस्था नहीं है, तो नहा नहीं सकता हूँ, मजबूरी है। और जहाँ पे हम लोगों ने रुक जहाँ पे हम लोग हैं अभी, उस जगह का नाम है, आप देखो, मोंगेत्सेमेनी। तो ये है, अब पता नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे भी यार हार्ट बोलते, जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना अपने घर में, जो लोकल मार्केट लगता है उसको हार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये एक तरह से हार्ट है, जहाँ पे सब्जी वब्जियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिकती है, तो कुछ ऐसा लगता है यहाँ पे। और जहाँ हम लोगों ने अपना टेंट लगाया था वो है यहाँ पे। भाई हमने अपना यहाँ पे हमने अपना टेंट लगाया था। और एक अच्छी चीज़ बताऊँ क्या है, ये देखो आप, जिस बारिश की पानी से हम लोगों ने ब्रश व्रश किया, मुंह धोया, वो एक तरह से आप देखो प्रिजर्विंग वाटर है, जो कि रेन वाटर है ना, इसको यहाँ पे प्रिजर्व करके अच्छा यूज किया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी वाली बात है, और ये एक सीखने वाली बात है कि हम लोग रेन वाटर को कैसे प्रिजर्व करके कैसे उसको यूज किया जा सकते हैं। एक यहाँ का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे रेन ज़्यादा होता है, तो इस कारण से शायद ये ज़्यादा पॉसिबल है यहाँ पे। पर कोई नहीं, जहाँ पे बारिश होती है यार, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं, तो दिस इज़ द गुड थिंग्स। एक लाइक बनता है, इसके लिए एक लाइक तो ठोक दो भाई, अभी ही ठोक दो। तो अभी रात का कुछ बचा हुआ है, उसको ब्रेकफास्ट करेंगे। और नज़ारा देख ही रहे हो, पहाड़ के ऊपर में है, इधर नीचे है पूरा। तो दैट्स इट, ब्रेकफास्ट करते हैं थोड़ा सा, फिर आगे निकलेंगे आज के लिए। तो भाई हमारा ब्रेकफास्ट ये है, सुबह का ब्रेकफास्ट, उसके साथ में मज़ा है। इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर आगे से लिफ्ट लेना स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितना, क्योंकि अभी 5 बज रहा है और अभी टाइम है 5। पता नहीं, सुबह सुबह भी गाड़ी भी नहीं चल रहा है, तो जल्दी से निकलते हैं और फिर आगे आज दिन की हिचहाइक स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर बाद। अभी तो 5 बज रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद सबसे पहले ब्रेकफास्ट। तो भाई सोचे थे कि खाने के बाद निकलेंगे, बट पहाड़ों का मौसम, बारिश स्टार्ट हो गई फिर से, तो अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर निकलेंगे यहाँ से। बारिश का सीज़न अभी तो नहीं है, पर क्लाइमेट चेंज के कारण ना बारिश जल्दी आ गई है, और हर दिन हमें सुबह सुबह बारिश का नज़ारा देखना पड़ता है, और इसके कारण हम थोड़ा लेट भी हो जाते हैं, जो अभी भी हम लोग लेट ही हो रहे हैं। तो थोड़ी देर रुकते हैं, बारिश रुकने का वेट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन। आज कहाँ तक के लिए ट्राई करेंगे? तो आज हम लोग ट्राई करेंगे मौन के लिए, जो हम लोग का फाइनल डेस्टिनेशन है मौन। यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है, आप
देखते हैं पहुंच पाते हैं तो वेल गुड, नहीं पहुंच पाते हैं तो भी वेल गुड, वो तो आगे जाएंगे तो पता चल ही जाएगा। तो फिलहाल बारिश का रुकने का वेट करते हैं, उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, तो पान बारिश रुक चुकी है और हम लोग अपने रास्ते पे निकल चुके हैं। रोड तो बहुत अच्छी है, आगे का पता नहीं कैसी मिलेगी, पर अभी तक का रोड बहुत ही अच्छा है। और जहाँ पे हम रुके थे वो है जो आप पीछे देख पा रहे हो, वो है। तो अभी कहीं पे देखते हैं, कहीं पे चाय पानी पीते हैं। ऐसे थोड़ा मोड़ा तो खाया पर चाय पानी पियेंगे। और सुबह अभी 5:30 हो रहा है, तो अभी लिफ्ट मिलना पॉसिबल नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, पर गाड़ी का तो नामो निशान अभी एक भी नहीं है, तो चांसेस अभी कम है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे चाय भी कुछ मिलता है, उसके बाद से ही आगे का हिचहाइक करना स्टार्ट करेंगे। पर मॉर्निंग का नज़ारा नागालैंड में क्या बात है। वेलकम टू नागालैंड। लगभग भाई 1 घंटे से वॉक कर रहे हैं और 5 किलोमीटर कवर भी कर लिया। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो गया, बट यार गाड़ी सुबह सुबह गिने चुने पार हुए, लगभग 4 या 5 पार हुएंगे, इससे ज़्यादा पार नहीं हुआ होगा। तभी एक आगे तो सिटी दिख रहा है, अब देखते हैं कि कौन सा सिटी है, क्योंकि सुबह सुबह लिफ्ट लेने में दिक्कत तो हो रही है, क्योंकि गाड़ी की संख्या भी कम आ रही है ना, तो इस कारण से थोड़ा लिफ्ट मिलने में भी दिक्कत हो रहा है। और अभी टाइम हो गया है 6:30, तो 5:30 बजे अभी छोड़ दो, 5:30 बजे हम लोग निकले थे, तो 6:30 हो गया। अब देखते हैं कि आगे के लिए लिफ्ट मिलता है कि नहीं मिलता। एक तो गाड़ी रुका हुआ है, देखते हैं। छोड़ दोगे भैया? चलो आगे छोड़ो, पीछे बैठ जाए। मिल गया भाई, थैंक यू भाई। आपका वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है, यूट्यूबर है? थैंक यू। आगे आ जाओ, ओके बैग रख लेता हूँ पीछे। हाँ दोनों ही, थैंक यू। तो भाई जैसे मैं बात भी कर रहा था, लिफ्ट तो मिल गई, पर यार खतरनाक जगह में बैठा हुआ हूँ, रोड अगर खराब हुआ ना तो भाई सब हम लोग की तो लग जाएगी। तो रोज का देखो ऐसे सोया हुआ अब देखो कि कितना दूर तक हमें लिफ्ट मिलता है। भैया तो असम जा रहे हैं और हमें शायद आगे से कट जाना है, लेफ्ट से देखते हैं कहाँ पे जाना है। पर भाई हमारी इस बार बैंड बजने वाली है सही। तो गाइस ये हैं भैया जिन्होंने हमें लिफ्ट दिया हुआ है। भैया आपका नाम क्या हुआ? सर हमारा भाई को। हेलो भैया, एक भैया इधर, आपका नाम क्या हुआ? बिमल सर क्या नहीं? बिमल? हाँ। मेरा नाम सुभाष। हेलो, मेरा नाम भैया सुभाष। मेरा नाम चिंतू है। चिंतू भाई को मिलकर अच्छा लगा भाई, बहुत मेहनत कर रहा है भाई मेरे। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो ये भाई हमें लगभग और 10-12 किलोमीटर छोड़ देंगे, तो थैंक यू भैया आपका छोड़ने के लिए। तो कुछ कहना बोलना चाहेंगे आप? भाई का चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू भाई, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। थैंक यू सर। भैया कुछ बताएंगे कि गाड़ी चलाने में एक्सपीरियंस कैसा लगता है, क्या क्या मजा आता है, क्या प्रॉब्लम होती है? कुछ बोलने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ भी मजा आता है इस रूट में? रोड सही है, रोड तो अच्छा लगता है खराब होने से भी। अच्छा, इसमें गाड़ी चलाने के लिए अच्छा होता है। अच्छा, अभी तो बरसात भी लगभग आ गया है, तो बरसात में रोड खराब है। हाँ वही देखा भाई, दाम 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 करके आ रहे थे, रास्ता ही एकदम जैसे स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ना भाई, हम लोग खतरों से खेल रहे थे आज। भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या ही बोलूँगा,
फिर भी चलना पड़ता है, रोड तो ऐसे ही खराब ही है। आप बेसिकली असम से ही हैं? असम से। असम कौन सी जगह से? हम लोग ये आपका असम मतलब ये गुवाहाटी से होते हैं हम लोग, गुवाहाटी में। तो आपका घर वहीं गुवाहाटी में? हाँ गुवाहाटी में है। हम तो वही पहले गुवाहाटी से आए हैं, फिर मंगलदोई गए, फिर तेजपुर गए, फिर ईटानगर से उधर से होते हुए। चल चलो भाई, चलने के लिए अब रेडी हो गए हैं। तो भाई यहाँ पे एक स्टॉपेज लिया हुआ है, भैया लोग कुछ खाना वाना खाएं, क्योंकि बता रहे थे कि रात को वो सब खाए नहीं हैं, तो वो सब खाना खाएं के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। और यही गाड़ी है, ये गाड़ी देख रहे हो जिससे हमें लिफ्ट मिली, और लगभग हमें 10-11 किलोमीटर के बाद हमें उतरना है। उसके बाद फिर हमारा डायरेक्शन इधर हो जाएगा और भैया सब जा रहे हैं गुवाहाटी के लिए। तो अगर हम लोग गुवाहाटी जाते तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता गुवाहाटी जाने के लिए, बट हमें जाना है मोन और भैया सबको जाना है गुवाहाटी। तो हमारा और भैया का लगभग लगभग आप मान लो 10-11 किलोमीटर और है साथ, उसके बाद वो उधर चले जाएंगे गुवाहाटी की साइड में, हम लोग चले जाएंगे मौन के साइड में। तो भाई यहाँ से निकल गए हैं और आगे के लिए चल रहे हैं। जैसे आपको पहले ही बताया गया था, 10 किलोमीटर के लिए और मैं और रोहित यहाँ आ गया। ऐसे दिक्कत नहीं होती पीछे बैठने पर, उसमें क्या है ना कि बहुत सारे वो सामान है तो थोड़ा बैठने के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो इस कारण से थोड़ा रिक्वेस्ट किया तो मान गए भैया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस भाई इसी तरह रास्ता है। तो गाइज हम पहुंच गए हैं, भैया ने हमें छोड़ दिया है। जैसे आप इधर रोड देख रहे हो ये सीधा मौन के लिए चला जाएगा, और इधर जो देख रहे हो ये गुवाहाटी के लिए चला जाएगा। तो थैंक यू भैया आपका लिफ्ट देने के लिए इतनी दूर के लिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे कभी चलते चलते। तभी थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे। हाँ मोन के लिए थैंक यू। तो कुछ देखते हैं यहाँ पे होटल है, कुछ खाने का देखते हैं, तो खाने का मिलता है तो ठीक है। रोहित रोहित खाने का देखते हैं, यहाँ पे एक होटल है, देखते हैं कुछ खाने को मिलेगा तो। सिस्टर चावल चावल बोल रहा हूँ, हाँ खाने का खाना, हाँ खाना नहीं खाली मैगी मिलेगा। तो यहाँ पे अभी मैगी मिलेगा, खाना वाना तो नहीं मिल रहा है। देखते हैं अभी आप गाड़ी धो रहे हैं, कहाँ से हैं आप? असम से ही हैं। चलिए देखते हैं खाने का क्या बंदोबस्त हो पाता है। तो भाई देखो सीधा मौन और राइट साइड में जिधर से हम लोग आए मोकाचुंग, तो रोड अच्छा लग रहा है मौन के लिए। देखते हैं कि लिफ्ट मिलता है कि नहीं मिलता है मौन के लिए। अरे कितना किलोमीटर देखा था मौन यहाँ से? 85। तो लगभग 85 किलोमीटर है यहाँ से मौन, जो कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है मौन विलेज। हमें मिलना भाई राजा, नागालैंड के राजा से मिलने जा रहे हैं भाई। भाई की देख लो भाई, राजा से मिलने का आप लोगों को भी मौका दिलवाएंगे राजा से मिलने का। तो आप भी इसी बात पे हिट करो यार, हिट करो, राजा से मिलवाएंगे यार, बड़ी बात है।
ऐसे ऐसे लोग राजा से नहीं मिल पाते, हम आपको मिलाएंगे किंग ऑफ नागालैंड। वेलकम टू नागालैंड। और एक बात, आज धूप भी हो गई भाई और हमारी वाट लगने वाली है गर्मी में। उतने दिन तो धूप नहीं निकली थी तो सही लग रहा था वॉक करने में, बट अभी धूप आ गई ना तो हमारी बैंड बजने वाली है। बट कोई, आप लोग हो ना साथ में, हम और आप लोग चलते रहेंगे और सफ़र यूं ही कटता रहेगा। वेलकम टू नागालैंड। और क्या लैंडस्केप है भाई, इधर देखो, बहुत ही प्यारा लैंडस्केप है, अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। भाई एक हमें लिफ्ट मिल गए थे, जो रोड बना रहे थे ना कंस्ट्रक्शन, वो इंजीनियर साहब इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे, तो उन्होंने हमें लिफ्ट दे दिया। जो 20 किलोमीटर का उन सब का जो कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे, तो हमें यहाँ तक या पीछे 20 किलोमीटर तक छोड़ दिया। तो अभी भाई इसी तरह जंगल में भाई गाड़ी की संख्या ना के बराबर है, अब पता नहीं कितनी देर में लिफ्ट मिलेगी, क्या होगा। कितना बता रहा है? 74। तो अभी 74 किलोमीटर दिख रहा है यहाँ से मौन, जो है हमारा आज का डेस्टिनेशन, जो कि है हमारा आज का डेस्टिनेशन, जो आपको पहले ही बता चुके हैं। तब देखते हैं अब लिफ्ट मिलती है कि नहीं मिलती है या कितनी देर में मिलती है। बट एकदम सुनसान इलाका है, सिर्फ कुछ टेटे करते हैं ना, वो सब की आवाज़ आ रही है बस। कभी कभी तो इरिटेट करते हैं सर टेंटे करने वाले। तो देखते हैं कितनी देर में लिफ्ट मिलती है। तुम्हें तो क्या लग रहा है भाई, कितनी देर में मिल जाएगी? जो आएगी गाड़ी वो दे देगी, मेरे को इतना पता है, क्योंकि यहाँ पे कम लोग चल रहे हैं ना, तो आई थिंक दे विल शो मर्सी ऑन अस, थोड़ा शाम पे रहम खाएंगे और दे देंगे। अगर खाली रहेगी तो दे देंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो बस गाड़ी आने का देरी है, देखते हैं कितनी देर में लिफ्ट मिलती है। इतना डरा दिया हम तो सोचे अब लॉन्ग लेंग वहीं से घूम जाए क्या। सही में बोल तो रहा था ना, इतना भी डर नहीं। तो भाई